ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का जो विषय है वो है 25 तारीख की, 25 मई के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। 25 मई को बहुत सुंदर तिथि बन रही है, कन्या राशि वालों को इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन गुरुपुष्य योग बन रहा है, साथ साथ हम बात करें तो इस दिन नया कार्य आरंभ करने के लिए बहुत सुंदर अवसर है। गुरुपुष्य योग जो होता है वो बहुत विरला योग माना जाता है, बहुत कम स्थिति बनती है, साल में 2-3 योग ही बनते हैं। इस दिन सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक सर्वार्थ सिद्ध योग और साथ साथ गुरुपुष्य योग विद्यमान है। कुछ नया कार्य आरंभ करने हैं तो उसका स्थिति आप लाभ ले सकते हैं। और ग्रहों का योगायोग पुनः बताऊंगा, आपके लिए बड़ा शुभ बना हुआ है। चंद्रमा मंगल की युति चल रही है और मंगल की शून्यता को समाप्त करके मंगल को शक्ति संपन्न बना रहा है चंद्रमा। ऐसे मंगल जो कमजोर चल रहे थे वो शक्ति संपन्न हो जाएंगे 3 दिन के लिए, तो इसका लाभ आप लीजिए। अपनी सामर्थ्य से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना चाहिए और बहुत बढ़िया से आप लाभ की स्थिति बना भी सकते हैं, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख को भी ग्रहों का योगायोग समझ लें किस प्रकार का बन रहा है कन्या राशि वालों के लिए। 26 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, शुक्रवार का योग है, अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान रहेगा और चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर सुबह के समय आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। सुबह के समय बहुत कल्याणकारी रहेंगे, शाम के समय चंद्रमा परिवर्तित होंगे, वो आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं। शाम के समय कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सुबह सुबह समस्त कार्यों को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह अच्छी रहेगी, शाम के समय खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए शाम के लिए टालना चीजों को ठीक नहीं रहेगा। एकदम परिवर्तन मनु मस्तिष्क में आपको स्वयं लगेगा। 8:50 पर चंद्रमा का परिवर्तन होने वाला है, सिंह राशि में जाएंगे, वो आपके लिए कष्टकारी योग बना सकते हैं। तो इससे पहले पहले कार्यों को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और हर्षल भी आज विशेष तौर पर उदय हो रहे हैं और हर्षल का उदय होना बृहस्पति के साथ राहु के साथ योग बनाना ये ठीक नहीं है। ये अननेसेसरी के आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स में रुकावट उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। 27 तारीख के ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन शनिवार है, ज्येष्ठ का महीना है और साथ साथ जो स्थिति है वो सप्तमी तिथि वृद्धि होकर बैठी हुई है। सप्तमी तिथि साथ साथ भद्रा का योग भी बन रहा है। भद्रा सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:31 तक रहेगी, तो नया कार्य शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। लोहे का कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, नए कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी के संबंध में नया कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे जाकर उसमें हार होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें और खर्चे थोड़े आपकी राशि के अनुसार से आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा जो मंगल है वो रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं और रोहिणी नक्षत्र में जब मंगल आ जाए, चंद्रमा जो विशेष तौर पर आ जाते हैं, तो वो ऐसे योग बनाते हैं कि आपको बियॉन्ड तरीके से स्वास्थ्य में भी और मनोमस्तिष्क में उग्रता ला देते हैं। सूर्य बिल्कुल सीधे पृथ्वी पर डाल रहे होते हैं नजर, ऐसे में छाते का दान करना चाहिए, पानी का दान करना चाहिए, खरबूजों का दान करना चाहिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। 28 तारीख को समझ लेते हैं ग्रहों का योगायोग कैसा है। 28 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खासतौर पर कन्या राशि वालों के लिए समय जो है वो अभी भी खर्चे थोड़ा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। मन में नेगेटिव विचार आपको परेशान कर सकते हैं, तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए गर्मी बढ़ रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कहीं बेकार खर्चे ना पड़ जाएं। आपकी राशि के अनुसार से जो गजकेसरी योग तो विद्यमान है, लेकिन धन आने और जाने दोनों के योग बने हुए हैं, तो कोशिश करें धन के खर्चों को कम करने का प्रयास करें, नहीं तो आप परेशान में फंस सकते हैं। इस दिन दुर्गा अष्टमी है और धूम्रावती जी की जयंती है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, रविवार का दिवस भगवती दुर्गा की आराधना करने के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसे में यज्ञ करके लाभ ले सकते हैं। हमारे आश्रम में रविवार को एक सामूहिक बड़ा यज्ञ किया जाता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत चमत्कारिक यज्ञ रहता है। माँ भगवती दुर्गा की सुंदर जागृत प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम में पधारी थी, उनका दर्शन करें। और आज तो धूम्रावती जयंती भी है इस दिन, और धूम्रावती जयंती कष्टों को दूर करने वाली है। हमने अनुष्ठान करके देखे हैं यज्ञ के द्वारा, धूम्रावती जी की जब आराधना की जाती है, जब मुकदमों में लगातार हार हो रही हो, लगातार शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, तो ऐसी शत्रुता समाप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए धूम्रावती जी का अनुष्ठान बड़ा कल्याणकारी रहता है। 29 तारीख के ग्रहों का योगायोग दिखाता है कन्या राशि वालों के लिए समय परिवर्तन के वाला है और सुबह सुबह से ही आपके लिए पॉजिटिव साइन उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक कष्ट पूरा है,
आपको खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। चंद्रमा जो है वो अकेले हैं, कहीं शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ये आपके खर्चों में थोड़ी सी इजाफा करने के योग बना सकते हैं। आपको विशेष तौर पे अपने सीधेपन से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपका मन सीधा रहेगा, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाएंगे और वहां आपको कष्ट होने के योग बन जाएंगे। कोशिश करें भगवान शिव को प्रसन्न करें, महेश नवमी है, सुबह सुबह गंगा जल से भगवान को अर्पित करें, भगवान का स्तवन करें, भगवान का बिल्वपत्र के द्वारा पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख का दिन बहुत ही चमत्कारी है, कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए। देखिए मंगल और शनि का योग अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे में इस पूरे साल में जो योग बनेंगे वो आपको उसको ठीक करने के लिए अभी करीब 40 दिन का समय बाकी है और उसके बाद शनि मंगल का टकराव भी होगा, तो ऐसे में उन स्थिति को ठीक करने के लिए आज की तिथि बड़ी कल्याणकारी है। आज गंगा दशहरा है और हम बात कर रहे हैं 30 तारीख की, 30 तारीख को गंगा दशहरा का योग पड़ रहा है और साथ साथ मंगल बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल, ज्येष्ठ का अंतिम मंगल है ये बुढ़वा मंगल माना जाता है, और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न कर आप मंगल को ठीक कर सकते हैं, मंगल के अशुभ प्रभाव को ठीक कर सकते हैं, शनि के दुष्प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। ऐसे में मंगल और एग्रेसिव होने वाले हैं, मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ने वाली है और व्यभिचार बढ़ने वाले हैं, धर्म से आप दूर हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का, मंगल का और शुक्र का योग बन जाएगा, ये विलासिता उत्पन्न कर देगा, नेगेटिव तरफ आपको ले जाएगा और भोग विलास में कुछ ज्यादा आप नेगेटिव तरफ जा सकते हैं। गलत दोस्तों की संगत से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जिन बच्चों का, जिनके घर वालों का इस प्रकार का योग बना हुआ है तो उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, मान हानि होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गंगा दशहरा है, कोशिश करें गंगा जी का स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें, अपने पितरों के निमित्त अर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बहुत जरूरी है, कल्याणकारी योग बनेंगे। और आपको ध्यान रख लेना चाहिए, विवेकानंद योगाश्रम में हमने आज की शुभ तिथि में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा हुआ है, समामणि का भोग लगाया जाएगा, हनुमान जी के लिए निमित्त यज्ञ किया जाएगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा और बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के उपाय हनुमान जी के समक्ष प्राचीन हनुमान मंदिर में किए जाएंगे विवेकानंद योगाश्रम में। आप भी सादर आमंत्रित हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साधकर आप इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, अपने कष्टों को दूर करने के लिए लाभ होगा। 31 तारीख के लिए ग्रहों का योगा योग क्या कह रहा है कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव चेंजेस को उत्पन्न कर सकता है। निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी में भगवान भीम ने कैसे भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद दिया था, उस दिन व्रत करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। चंद्रमा मंगल जो सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, ऐसे में शास्त्र के अनुसार से इन 14 दिनों का योग जो रहता है ये बड़ा उत्पाती योग बनाता है, बवंडर का, तूफानों का योग रहता है। सूर्य बिल्कुल सीधी तरह से पृथ्वी की पर उनकी रोशनी पड़ रही होती है और गर्मी बढ़ने के योग बनते हैं, उसके कारण से ग्रहों का प्रभाव भी शनि मंगल का जो प्रकार योग चल रहा है वो युद्ध को उग्र करता दिखाई दे रहा है, आपके मनोमस्तिष्क में ऊर्जा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, तो आपको शांति के साथ काम करने की जरूरत है। और दोपहर तक भद्रा विद्यमान रहेगी, यानी 1:45 तक नया कार्य उसके बाद शुरू करें, उससे पहले इन सब चीजों में बचते हुए कार्य करें। नमस्कार।